एवरीवन, जिस तरीके से मैं सीरीज डाल रही हूँ, सारे शब्दों की, अक्षरों की मात्रा मैं आपको बता रही हूँ वर्णमाला के, तो इसीलिए आज मैं आपको बता रही हूँ बड़े उ की मात्रा वाले कुछ शब्द। ये जो शब्द है वो दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर से मिलकर बनेंगे, जो बच्चों के डिक्टेशन में यूज आएंगे। ये दोनों पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़े उ की मात्रा वाले शब्द जैसे बनेगा, आप बच्चे को बोलोगे आलू, झाड़ू, और जैसे है फूल, और आप बच्चे से जैसे क्या बोल सकते हो, चाकू। प्रोनंसिएशन में जरूर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। कूड़ा, मूली, झूला, और जैसे वर्ड्स हो सकते हैं चूहा, भालू, दूध। इसी तरीके से अगर हम तीन अक्षर की बात करें, तीन अक्षर से बड़े उ की मात्रा वाले कौन कौन से शब्द बनते हैं, सूरज। ये नॉर्मल शब्द है जो हम लोग के रोज दिनचर्या में यूज होते हैं। बबूल, तराजू, डूबना, डमरू, स्कूल, मयूर, कूदना। तो इस तरीके के ये कुछ शब्द हैं जैसे तीन अक्षर से बन सकते हैं। मैं बेसिक बता रही हूं, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। चार अक्षर से जैसे बनता है, फूलदान, खरबूजा, तरबूज, पतलून, जैसे इसका नेक्स्ट कोई वर्ड बन सकता है कबूतर, सूझबूझ, और जैसे आप इसे बना सकते हो मशहूर, सहतूत, जैसे कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो आप, नूतन, जूता, पहन। आपको बच्चे को ऐसे सेंटेंसेस में भी, वाक्य में भी बताना पड़ेगा, कुछ भी बताओ। तूफान आया, सूझ बूझ दिखा। तो मतलब आप वो शब्द यूज करिए जो मात्राएं आप बता चुके हैं बच्चे को, जिस वो थोड़ा सा अवगत है उन चीजों से, वो उस तरीके से आप वाक्य बनाइए, पैराग्राफ बनाइए, और इस तरीके के शब्द डिक्टेशन में बैठे बैठे बच्चों से बोलते रहिए, हंसते, कोई एक्टिविटी वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो पूछते रहिए, जिससे बच्चे बिजी भी रहेंगे और उनका ये अच्छा भी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।